राज्य में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। जुलाई महीने से इसे लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग ने बाल वाटिका के माध्यम से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। राज्य के लगभग 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसकी शुरूआत होगी। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को अब बाल वाटिका के रूप में पहचान मिलेगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्कूलों की स्थिति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके। जो हमारे निदेशालय स्तर के अधिकारी हैं, पूरी उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है, टीम बनाई है, जो जाएंगे 2 दिन पूरे उसमें रहेंगे स्कूल में, और उस स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चाहे फैसिलिटीज हैं, चाहे पेयजल है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे उसकी लाइब्रेरी है, उसके साथ साथ जो हमारा शिक्षा का स्तर है, जो लर्निंग आउटकम है, वो किस स्तर का है, और अगर कहीं कोई गैप है या कहीं कोई कमी है तो किस सब्जेक्ट में है, या कहीं कोई अच्छा कार्य रहा है तो वो, तो उसका एक 2 दिन में पूरा गहन अध्ययन करेंगे, तो उससे हमारी जो एक तो कमियां होगी पता चलेंगी, दूसरा जो हमारी अच्छाइयां वो पता चलेंगी, और जहां कोई कमी है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसको पूरे प्रदेश में हम लागू करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए बनाया है। वहीं बाल वाटिका में पढ़ाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ओर बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों के लिए SCERT के द्वारा पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। SCERT के निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि जिन 5,000 प्राइमरी स्कूलों के कैंपस में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, उनमें बाल वाटिका के माध्यम से नई शिक्षा नीति की शुरूआत होगी। हमारे यहाँ जो NEP है वो हमारे ऑलरेडी लागू हो चुकी है, और जो ECC के सेंटर्स हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय के साथ एक ही कैंपस में संचालित हैं, तो ऐसे 5,000 स्कूलों में बाल वाटिका हम लोग जो है 1 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसका जो है हमारा पाठ्यक्रम भी तैयार हो गया है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसके किताबें जो हैं वो मुद्रित होंगी और प्रत्येक आंगनवाड़ी प्रत्येक 5,000 स्कूलों में जाएंगी वो, और उसके अनुसार ही जो है वहाँ पर पढ़ाई होगी। तो बाल वाटिका का जो सिलेबस है वो हम लोगों ने ICDS के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट के सौजन्य से समन्वय से हम लोगों ने ये तैयार किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को इसमें पसंद आएगी, और क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है तो इसमें जो हम लोगों को फीडबैक मिलेंगे या जो हमें सुझाव आएंगे तो वो हम उसके अनुसार जो है फिर दोबारा उसको जो है हम अपग्रेड भी किताब को करेंगे। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट स्कूलों में LKG और UKG की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले छात्रों को पहले आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ाई कराई जाएगी।